और मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी, 60-60 हजार से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की, इनके पाओ के नीचे जमी नहीं, ताज्जुब है फिर भी इनको यकीन नहीं। सर लव जिहाद को लेकर अभी तक कोई प्रॉपर ड्राफ्टिंग तरीके से हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है, खासतौर पर धर्म विषय से क्यों जोड़ के रखा जा रहा है? ये कांग्रेस नहीं जोड़े तो जुड़वा देती है, धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020 ये लाया जा रहा, उसमें एडमिटमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती लालच देकर प्रलोभन देकर अगर विवाह करता है तो उसे 5 साल का कठोर कारावास होगा। हमने स्पष्ट कहा है कि नल एंड वाइड हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी, ये अमान्य गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें कि धर्म स्वातंत्र विधेयक है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि प्यार जोड़ने का काम करता है लेकिन ये कानून तोड़ने का काम करता है, वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ है या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की, तू न बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनी से गिला नहीं तेरी रहबरी पे सवाल है, तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है, ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंबा होता है, अभी भी अपकार जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही कश्मीर के अंदर, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ साफ है हम दोनों की बातें, हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते, हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं, जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। सर जबलपुर से एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली पुलिस की, जब स्ट्रक्चर कम पड़ गए तो थाना के स्टाफ कंधे पर लेके गए, एक एसआई दिव्यांग एसआई, ऐसी तस्वीरें आपको जब भी परीक्षा की घड़ी आई होगी, मुसीबत की घड़ी आई होगी, विषम परिस्थिति आई होगी, पुलिस ने हमेशा इस तरह से, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे वो सिंहस्थ का पीरियड हो, चाहे कोरोना का काल हो, हमारे जवानों ने सर्दी में और 45 टेम्परेचर में भी किट पहनकर लोगों की सेवा की है, वो सारे जवान वंदनीय अभिनंदनीय, और कल का जबलपुर का जवान भी अभिनंदनीय है वंदनीय है। सिंहस्थ में भी आपने देखा होगा इसी तरह से उठा उठा के जवान ले गए, पर कभी कभी अच्छा चेहरा पुलिस का नहीं आ पाता है और खराब चेहरा हम सब लोग पूरी ताकत से दिखा देते हैं। हम सबको, खासकर मैं मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ गृहमंत्री के नाते, ये अच्छा चेहरा भी दिखाएं। अगर हमने विकृत सोच पुलिस के बारे में बना दी तो वो भी अच्छा नहीं, समाज में सब तरह के लोग होते हैं। सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की है मुख्यमंत्री के साथ, और दिल्ली में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए ये तय किया गया है कि आने वाले दिनों में जो भीड़ भाड़ भरे बाजार है वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सकता पूरी दिल्ली में। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो खुद मुख्यमंत्री जो स्वीकारे हैं 13 नवंबर को कि मामले बढ़ रहे हैं एमपी में, तो क्या जो खास चार बड़े शहर हैं इंदौर भोपाल ग्वालियर और जबलपुर यहाँ पे कोई लॉकडाउन को लेकर के या कोई रणनीति अब आगे की रहेगी, क्योंकि त्योहारों के बाद मामले इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, न ही इस तरह की अभी कोई कार्य योजना है, न ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भयावह स्थिति है। जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में है और हमारे पास में
काफी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसलिए अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। सर, अब कांग्रेस हार पे मंथन कर रही है, प्रत्याशियों से, जिलाध्यक्षों से और प्रभारियों से लिखित में जवाब मांगा है, एक बड़ी बैठक भी जल्द हो सकती है हार पर मंथन को लेकर, जो करारी हार मिली थी। अब वो कुछ भी कर लें, अब अमृत नहीं निकलने वाला, मंथन में भी निकलने वाला है। आप प्रतीक्षा करो, मेरी बात देखो, फिर हंस रहे हो आप। मैं हंसने को नहीं कह रहा, आप देखो अगर विसरी निकले तो बता दो। चुनाव पे ही आते हैं, भगवान की याद चुनाव पे ही आती है। उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 महीने में 1,500 से ज्यादा प्रभारी बना दिए थे, अब सबको हटाने की तैयारी है वो शुरू हो गई। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए।